हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैशन ऑन माय प्लेट। तो आज हम बनाएंगे एक सिंपल राइस में से एक रेस्टोरेंट स्टाइल यम्मी मशरूम शेजवान फ्राइड राइस। क्विक एंड इजी टू मेक और टेस्ट में लाजवाब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और फाइनली चॉप जिंजर ऐड करेंगे। बाद हम फाइनली चॉप अनियंस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का अनियन फाइनली चॉप करके ले लिया। एक टेबल स्पून रफली चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। अनियन को अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है। इसमें एक कप स्लाइस्ड मशरूम ऐड करेंगे। देखिए मैंने कैसे स्लाइस किया है। और छोटे डाइस किए हुए कैप्सिकम ऐड करेंगे। मशरूम और कैप्सिकम को एक साथ ऐड करेंगे। अभी इसमें सीजनिंग के लिए सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए कुक करेंगे। अभी देखिए मशरूम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसको और 10 से 15 सेकंड के लिए कवर करके कुक करेंगे और थोड़ी देर ब्राउन होने तक वेट करेंगे। अभी देखिए मशरूम अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस ऐड करेंगे। आप बाजार से कोई भी शेजवान सॉस लेकर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिंग्स का शेजवान सॉस ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए हमारा सॉस रेडी हो गया है। बिल्कुल थिक हो गया है और पैन में थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके हम राइस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 कप प्लेन स्टीम्ड राइस लिया है। राइस ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, नहीं तो चावल बिल्कुल मशी मशी जैसे हो जाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। राइस में बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है, तो अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कीजिए। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे पार्सले ऐड किया है। अगर आपको पार्सले ना मिले तो आप कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। हो गया ना झटपट रेडी ये टेम्पटिंग मशरूम फ्राइड राइस। अब आप बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए हाउ वाज इट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय and subscribe to get notified immediately.